बात है। हाँ। मतलब अच्छा हुआ, बाकी हमें तो दुख हुआ कि यहाँ पर क्यों नहीं आए। हमारी जो लड़की जो दोस्त हुआ करती थी ना, उनका भी फोन आया कि भाई आपके यहाँ तो ये वाली सरकार नहीं आई, मैं तो तेरे शहर नहीं आऊंगी अब। अच्छा। लड़की ने आपको फोन किया कि मुझे नहीं आई शामली में, मतलब तो मैं नहीं आऊंगी, मुझे नहीं आऊंगी। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों बोला उन्होंने? कहती है अब डर लगेगा मुझे। मतलब पहले महिलाओं के मामले में वे सेफ फील किया करती थी, एंड नाउ बीजेपी है। यस, हाँ यस, दे आर नॉट सेफ, दे आर नॉट फीलिंग सेफ वेल ना। अब नहीं करेंगे सेफ फील, पहले सेफ फील करती थी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सौरभ शर्मा। कैसा लग रहा है, बाबा जी की सरकार बन चुकी है उत्तर प्रदेश में? बाबा जी की सरकार बन गई, बहुत खुशी की बात है। और बाबा जी की सरकार में कानून व्यवस्था एक नंबर हुई। और अपनी ये जो थाना भवन सीट है, शामली सीट है, कैरान सीट है, यहाँ पे थोड़ा किसान नाराज थे कि गन्ने का पेमेंट टाइम पे नहीं हो पाया। अदरवाइज भाजपा से कोई नाराज नहीं है, सब खुश हैं। कानून व्यवस्था अच्छी हुई और लोगों को राशन मिला महीने में दो बार, तो सब कुछ अच्छा है, अभी बढ़िया चल रहा है। आपको लगता है कि किसानों की वजह से यहाँ से सीटों से हाथ धोना पड़ा? यहाँ पे बस किसानों का थोड़ा ये रहा कि समय पे पेमेंट नहीं हुआ, इसलिए किसान परेशान रहा। आगे से समय पे पेमेंट होगा गन्ने का तो किसान 100% सपोर्ट करेगा। और वैसे खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। योगी राज में सब बढ़िया हो गया पहले से। क्या कमियां लगती है आपको शामली क्षेत्र में, जो आप चाहते हैं कि ये कमियां दूर होनी चाहिए? शामली क्षेत्र में सबसे पहली कमी तो किसानों की है कि किसानों को खुश रखने के लिए उनके समय पर भुगतान भी करना पड़ेगा और किसानों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ने की बेल्ट के लिए जाना जाता है और यहाँ पे मैक्सिमम किसान ही है, तो उसके लिए गन्ने का पेमेंट टाइम पे करना पड़ेगा और किसानों को थोड़ा देखना पड़ेगा। और कोई दिक्कत नहीं है, गन्ने की पेमेंट सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, सबसे बड़ी समस्या गन्ने की पेमेंट है। किसान के पास अगर पेमेंट टाइम से नहीं आओगे तो फिर कैसे क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर पाने का, फीस नहीं भर पाने का बच्चों की, तो बहुत सारी चीजें हैं। और वैसे ओवरऑल ठीक है, बढ़िया है, बीजेपी आई फिर से, हमें सबको खुशी है, पूरा माहौल बीजेपी का है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है जी आपका? नितिन गोयल। नितिन गोयल जी, कैसा लग रहा है बाबा जी की सरकार बन चुकी है दोबारा फिर से? बहुत मजा आ गया जी, पूरा मजा मजा आ गया पूरा, बाबा जी सरकार दोबारा आ गई, बुलडोजर चलेगा बोल रही है जनता, पूरा बुलडोजर चलेगा, सबका पूरा बुलडोजर चलना है, पूरा बुलडोजर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी शिवम मलिक है। शिवम मलिक यही के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, शामली का। कैसा लग रहा है बाबा जी की सरकार बन चुकी है? सरकार तो आएगी जी, इसकी आएगी, मैं यहाँ से सफाया करना था, यहाँ से सफाया हो गया। अच्छा, यहाँ से सफाया करना था, क्यों सफाया क्यों करना था? जितना तो पेमेंट टाइम पे किसान उसकी बेल्ट गन्ना बेल्ट हुआ है यार, ना तो यहाँ पेमेंट टाइम पे देते ना कुछ, किसान भूखा मरा लग रहा। आप किसकी चाहते थे? मेरे को तो आरएलडी के लग रहे हैं आप। आरएलडी का यू जी, पक्का आरएलडी का लगे रहा जी, आरएलडी का ठोक है। आरएलडी तो आ चुकी है तीनों में, दो सीटों पे कब्जा कर लिया आरएलडी ने तो। 8 सीटों पे हमारा आगे चलेगा और होगा। शामली की बात कर रहे हैं, दो सीट पे हो गया हमारा, यहाँ पे दो सीटों पे कब्जा हो गया। गठबंधन की बात करें तो 3 सीटों पे हो गया यहाँ पर, सफाया हो गया यहाँ, सफाया ज्यादा सफाया हो गया यहाँ, सफाया हो गया, नाराज है पूरे बीजेपी। लेकिन एक बात तो बताइए, आ तो चुके हैं यहाँ से, सीटें भी जीत चुके हैं, लेकिन एक विकास रुक नहीं जाएगा क्योंकि सरकार बनी हुई है योगी जी। रुकने का कुछ नहीं, रुकने का सब चलेगा, नहीं विधायक हमारे बने भी सब फिट चलेगा, सब चलेगा। हाँ, सब काम नहीं चलेगा, और ज्यादा होगा बीजेपी वालों ने जितना करा उसका दुगना होगा। ज्यादा कैसे होगा? योजना लावगे? हाँ, बड़े सत्ता में ना हो, योजना लावगे? योजना तो सरकार लाएगी, तो सरकार पता तो लावगे, प्रतिनिधि तो चुने गए यहाँ के। महबूब अली। महबूब नाम है आपका, कैसा लग रहा है आपको सरकार बन चुकी है? सरकार का देखिए सही है, पर लेकिन कुछ कर्मचारी हित में, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ मैं, लेकिन हमारे देखिए जो प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है वो काफ़ी बड़ा है, जो सरकारी डिपार्टमेंटों को प्राइवेट किया जा रहा है। तो देखिए जो आज की यूथ है वो अगर कॉम्पिटिशन में तैयारी कर रहे हैं तो देखिए गवर्नमेंट अगर जॉब नहीं मिलेगी तो फिर क्या फायदा है उसका। अच्छा एक बात बताइए, अभी तीनों सीटों पर जीत चुकी है यहाँ पर, गठबंधन जीत चुका है, ऐसा तो नहीं लगा आपको कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई या मशीन में गड़बड़ी, ऐसा तो नहीं लगा? नहीं, देखिए मेरी खुद ड्यूटी थी चुनाव में, ईवीएम में कोई ऐसी धांधली नहीं है, ईवीएम निष्पक्ष चुनाव हुआ है, निष्पक्ष चुनाव हुआ है। और देखिए बुलडोजर की बात ना की जाए, विकास की बात की जाए, हाँ की बात ना की जाए, विकास की बात, विकास की बात की जाए, हर वर्ग को साथ लेके किया विकास हो। लेकिन देखिए कर्मचारी हित में भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके बारे में भी सोचा जाए, हमारे हित में तो कुछ सोचा ही नहीं गया, और जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसको प्राइवेट किया जा रहा है। अब देखिए काफ़ी मुद्दे हैं इनके, 300 यूनिट बिजली फ्री, और जी
जो गैस सिलेंडर है वो दीपावली पे बोला है, आप देखें कितनी खरी उतरेगी ये सरकार, जो मुद्दे किए गए हैं। मैनिफेस्टो तो वैसे देखिए अगले सरकार का बढ़िया था, लेकिन जो जनता को अच्छा लगा। आप क्या चाहते थे, किसकी सरकार आनी चाहिए? हम परिवर्तन चाहते थे। आप परिवर्तन चाहते थे, आप गठबंधन की सरकार चाहते थे? परिवर्तन में कोई भी हो, परिवर्तन चाहते थे, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। रवि खेवाल जी, कैसा लग रहा है बाबा जी की सरकार बन चुकी है दोबारा फिर से? बाबा जी की सरकार बढ़ने का ये है कि सरकार बने जो वादे की है मैनिफेस्टो के उन पर पूरे उतरे और ठीक ठाक ही सब काम चलते रहे। वादे किए तो पूरे भी करेंगे, बस यही है कि सरकार करे। पूरे किए करें। धरातल पे दिखाइए। क्या नाम है जी आपका? अनुज संगल। अनुज संगल, बाबा जी की सरकार दोबारा फिर से बन चुकी है, सत्ता में आ चुके हैं बाबा जी। बिल्कुल। और जो अखिलेश यादव जी बोल रहे थे कि सफाया करेंगे, मठ में भेजेंगे, वो तो चले गए, वो तो नहीं आ पाए। बिल्कुल सही बात है। मतलब अच्छा हुआ, बाकी हमें तो दुख हुआ कि यहाँ पर क्यों नहीं आए। हमारी जो लड़की जो दोस्त हुआ करती थी ना, उनका भी फोन आया कि भाई आपके यहाँ तो ये वाली सरकार नहीं आई, मैं तो तेरे शहर नहीं आऊंगी अब। अच्छा। लड़की ने आपको फोन किया कि मुझे नहीं आई सामली में, मतलब तो मैं नहीं आऊंगी, मुझे नहीं आऊंगी। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों बोला उन्होंने? कहती है अब डर लगेगा मुझे, मतलब पहले महिलाओं के मामले में वे सेफ फील किया करती थी, एंड नाउ बीजेपी है। यस, हाँ यस, दे आर नॉट फीलिंग सेफ। वेल ना, अब नहीं करेंगे सेफ फील, पहले सेफ फील करती थी। मतलब मुझे उसने खुद ही बोला, सरकार तो है ना बीजेपी की ही। नहीं सरकार है, मतलब बता रहा हूँ कि मैं क्या फर्क क्या पड़ा, मैं तो ये बता रहा हूँ लोगों पे मानसिकता पे क्या फर्क पड़ रहा है। लड़की ने आपको बोला कि अब नहीं आऊंगी मैं, अब सेफ फील नहीं कर रही, सेफ फील नहीं कर रही। और जैसे भी मैं काका नगर का निवासी हूँ, तो वहाँ पे पहले औरतें नहर की पटरी पर चली जाती थी कि चलो घूमने चले जाते हैं, तो अब मतलब बाबा जी की सरकार में अब तो ठीक है, पर अब उनको यही हो जाता है कि पहले नहीं जाती थी, डर ज़्यादा लगता था, तो शायद बस डर है कि कहीं वो माहौल ना आ सके, आ जाए वापस, तो ये बात है। ऐसा तो नहीं रहा अब भी कि मशीन में गड़बड़ी हुई, ईवीएम में गड़बड़ी हुई, ऐसा तो नहीं है? बस वो तो कहते हैं ना, क्या कहते हैं ये जो लोग बोलते हैं, बोलने का काम है वो तो, वह लोगों का काम है बोलना, वो तो और कोई बात नहीं। ऐसा होता तो फिर यहाँ भी आ जाती सरकार, ऐसा थोड़ी होता है। सही बात है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है जी आपका? रिजवान चौधरी। रिजवान जी, कैसा लग रहा है बाबा जी की सरकार बनते हुए देखकर? लग तो कैसा भी नहीं रहा। वो क्या हुआ? भर्ती नहीं निकल रही। भर्ती नहीं निकल रही? हाँ भर्ती निकल रही, लोग बाग परेशान है, चार चार साल हो रही लंडो को भर्ती मार, तो भर्ती निकल रही, क्या कर रहे हैं, इनको मजा रहे छोड़ रहे और क्या कर रहे हैं, पूछ लो मारे तो परेशान है बहुत ज्यादा। चल जाएगी, बन गई दोबारा फिर से सरकार, अपने सरकार अपने लोकल में आ गई और क्या दिक्कत है हमें, लोकल में अपने बन गए, इनके तो अपना प्रसन्न चौधरी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब पहले भी दिक्कत ना थी, सरकार कोई सी बना तो भर्ती चाह रहे, हमें तो भर्ती लेकर जाओ अपना काम क्लियर, और क्या चाहना हमें, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। देखिए दोस्तों, शामली के लोगों से हमने यहाँ पर बातचीत की है, चौराहा है जो, ये रोड है वो जाता है थाना भवन की तरफ, और ये रोड सीधा जो जाता है वो हनुमान टीला इस साइड वहाँ पर जाता है। अभी तक के लिए इतना ही, इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहेगा हिंदुस्तान 9 के साथ। मैं हूँ साक्षी, धन्यवाद।